साइकिलिंग। साइकिल चलाना सबसे अच्छे वर्कआउट में से एक है, जो कई तरह के बेनिफिट्स प्रदान करता है। साइकिल चलाना न केवल स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि यह इतना सरल है कि कोई भी किसी भी उम्र में इसका आनंद ले सकता है। यूएन द्वारा भी हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को साइकिल के फायदों के प्रति जागरूक करना है। चलिए जानते हैं कि साइकिल चलाने के क्या क्या फायदे हैं। नंबर 1, ओबेसिटी एंड वेट कंट्रोल। अगर आप अपने वजन को कम या कंट्रोल करना चाहते हैं तो साइकिल चलाना एक बेहद अच्छा वर्कआउट है। साइकिलिंग से ना केवल आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है, बल्कि यह आपकी मसल को बिल्ड करने के साथ साथ बॉडी फैट को भी बर्न करता है। नंबर 2, इम्प्रूव कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। नियमित रूप से साइकिल चलाने से आपके हार्ट को, आपके लंग्स को बेहतर होने में मदद मिलती है, साथ ही आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है। साइकिल चलाने से आपकी हार्ट मसल्स मजबूत होती हैं, जिससे हार्ट डिजीज होने का खतरा कम होता है। नंबर 3, लोअर टाइप 2 डायबिटीज रिस्क। टाइप 2 डायबिटीज की दर तेजी से बढ़ रही है और यह काफी चिंता का विषय है। टाइप 2 डायबिटीज के विकसित होने की एक बड़ी वजह हमारा खान पान, हमारा लाइफ स्टाइल है। जो लोग डायबिटीज की समस्या से ग्रसित हैं, उनके लिए फिजिकल वर्कआउट बेहद जरूरी है। ऐसे लोगों के लिए साइकिलिंग एक आसान और अच्छा वर्कआउट हो सकता है। नियमित तौर से साइकिल चलाने से आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ती है, आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है, साथ ही डायबिटीज के होने का खतरा भी काफी कम देखा गया है। नंबर 4, इम्प्रूव्स मेंटल हेल्थ। तमाम रिसर्च बताती हैं कि अगर आप नियमित रूप से साइकिल चलाते हैं तो इससे आप में डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करने में सहायता मिलती है। नंबर 5, इम्प्रूव योर इम्यून सिस्टम। साइकिल या किसी भी अन्य व्यायाम करने से आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, जिससे व्यक्ति में रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता बढ़ती है। नंबर 6, बेटर स्लीप। रोजाना नियमित रूप से साइकिल चलाने से आपकी नींद बेहतर होती है। साइकिलिंग से हमारा मूड बेहतर होता है और शरीर में तनाव का स्तर कम होता है, जिससे नींद बेहतर होने में मदद मिलती है। नंबर 7, इंक्रीज योर लंग कैपेसिटी। साइकिल चलाने से आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के दौरान आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। यह आपके फेफड़ों को मजबूत और स्वस्थ बनाने में मदद करता है। साइकिलिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी समय सीमा और इंटेंसिटी को आप अपने आप नियंत्रित कर सकते हैं। साथ ही यदि आप पीठ दर्द या अन्य किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो अपने चिकित्सक की सलाह से ही साइकिलिंग शुरू करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हेल्दी, बी स्ट्रॉन्ग।